Hi everyone, welcome to On Tips Chemistry. Today we'll discuss about internal energy. Suppose we have a system. हमारे पास एक system है and we want to know energy of that system. ये हमारा system है और हम लोग चाहते हैं कि हमें इसकी energy के बारे में पता चले कि इसकी energy कितनी है. So टू कैलकुलेट इट्स एनर्जी हम लोगों ने देखनी है कि इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते. वैसे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज़ अ सिस्टम, दिस इज़ ऑल्सो अ सिस्टम. हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्मामीटर पुट कर सकते हैं दोनों सिस्टम्स के अंदर और वो हमें इनडायरेक्टली एनर्जी के बारे में बताएगा. मीन्स अगर इस सपोज़ कीजिए कि इस सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है और इस सिस्टम का टेम्परेचर कम है, तो इनडायरेक्टली जो टेम्परेचर है वो हमें बता रहा है कि जो इसकी एनर्जी है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसका टेम्परेचर क्योंकि कम है तो इसकी एनर्जी भी कम होगी. ओके, बट ये हमें बता रहा है थर्मल एनर्जी के बारे में. लेकिन एक किसी सिस्टम के अंदर सिर्फ थर्मल एनर्जी नहीं होती है. एक सिस्टम के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं. एंड जो ये मॉलिक्यूल है ये क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है ना, ये मूव कर सकता है टू प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी. ये रोटेट कर सकता है टू प्रोड्यूस रोटेशनल एनर्जी. और भी मतलब ट्रांसलेटरी मोशन करके ये क्या कर सकता है, ट्रांसलेशनल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है. एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है उसके अंदर. सो कितनी सारी एनर्जीज होती हैं एक टोटल सिस्टम के अंदर. लेकिन थर्मामीटर ने तो हमें क्या बताया, सिर्फ थर्मल एनर्जी के बारे में. ठीक है, हमें ये तो नहीं पता चला कि ये एनर्जी कितनी है एंड ये कितनी है. इन सभी एनर्जी के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमें. सो इससे हमारे पास कंसेप्ट आता है इंटरनल एनर्जी का. जो इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी है समीशन ऑफ ऑल एनर्जीज. सो द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाई एनी सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी. तो जितनी भी एनर्जी एक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है हम लोग उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी. सो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितनी एनर्जी, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, एक सिस्टम के अंदर कितनी टोटल एनर्जी प्रेजेंट है, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो नहीं, वी कैन नॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी. हम लोग इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते. लेकिन हम निकाल सकते हैं कुछ और, वो क्या है, मान लीजिए ये सिस्टम है, इसकी है इंटरनल एनर्जी U1. हम लोगों ने इसके ऊपर कोई प्रोसेस किया, उससे इसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी U2. लेकिन हमें ना तो U1 की वैल्यू मालूम है ना U2 की वैल्यू मालूम है, लेकिन हमें मालूम है डेल्टा U की वैल्यू. मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी. हम लोगों को चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम है, लेकिन हमें ना U1 की वैल्यू मालूम है ना U2 की वैल्यू मालूम है. ठीक है, वी वॉन्ट टू नो अबाउट U1 एंड U2, बट प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी. वट कैन वी डू इज वी कैन कैलकुलेट डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी. वी कैन चेंज इंटरनल एनर्जी. अब बात आती है कि हम लोग इंटरनल एनर्जी को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं. ओके, हम लोग इंटरनल एनर्जी को किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं. अब हम लोग इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं दो मेथड से. टू चेंज इंटरनल एनर्जी वी हैव टू मेथड्स. मेथड नंबर वन है
हमारा हम लोग हीट हीट की हेल्प से कर सकते हैं ये। और मेथड नंबर टू है वर्क डन। हम लोगों ने ऑलरेडी इन दोनों को डिस्कस किया हुआ है, मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र के अंदर, हीट को भी एंड वर्क डन को भी। एंड यही दो टर्म्स हैं जो इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। ओके अगर देखिए हमारे पास क्या है, ये एक कोई सिस्टम है, हम लोग अगर इसके अंदर हीट क्या कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं, हीट अगर हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अगर हम लोग इसमें से हीट बाहर निकाल रहे हैं तो भी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। ओके एंड अगर हम लोग इसके ऊपर वर्क डन करेंगे तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ओके सो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और क्यू माइनस डब्ल्यू। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, पर जनरली आप लोगों ने शायद इस चीज़ को ना देखा हो कि हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या है, हम लोग ऑलरेडी इनका कन्वेंशन डिस्कस कर चुके हैं। प्लस डब्ल्यू मीन्स वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, माइनस डब्ल्यू मीन्स वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। सो इन सब की वैल्यूज़ हमें इनडायरेक्टली बताएंगी कि डेल्टा यू में कितना चेंज हुआ, क्योंकि इंटरनल एनर्जी या तो क्यू की वजह से चेंज हो सकती है या फिर डब्ल्यू की वजह से चेंज हो सकती है, कोई और इसका रीज़न नहीं हो सकता है कि इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज हुई है। ओके और ऐसे ही हम लोग क्यू के लिए लिख सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस हुई है, या फिर हीट क्या हुई है, हीट उसने मतलब सिस्टम ने ली है या फिर हीट उसने दी है। तो हम लोग ओवरऑल ये लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। आई होप आप लोगों को साइन कन्वेंशंस पता हैं, क्योंकि मैं इनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्लस क्यू कब आएगा, माइनस क्यू कब आएगा एंड प्लस माइनस डब्ल्यू कब कब आएगा। ओके तो ये सब होता है, और इसी से रिलेटेड होता है हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो आप लोगों को फर्स्ट लॉ समझने में अब कोई परेशानी नहीं होगी कि हम लोगों ने क्यू और डब्ल्यू को यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज हो सकता है सिर्फ और सिर्फ क्यू और डब्ल्यू की वजह से, और कोई इसका चांस नहीं है। और हम लोग यू वन और यू टू की वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पता लगा सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग पता कर सकते हैं कि हम लोगों ने हीट कितना उसको दिया, या फिर हीट उसने कितना दिया, या फिर वर्क डन हमने कितना किया, या फिर वर्क डन सिस्टम ने कितना किया। ठीक है, ये सब बातें तो हम लोग पता कर सकते हैं ना। ठीक है, क्यू और डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली यू वन एंड यू टू की। तो इसकी वजह से डेल्टा यू तो हम लोगों को पता चल गया, लेकिन यू वन एंड यू टू के बारे में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है उनको पता करना। एंड ऐसे ही सिमिलर केसेस हम लोगों को मिलने वाले हैं एंट्रोपी के केस में, जो यू वन सॉरी एस वन एंड एस टू होगा वो भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी को फाइंड आउट करना, लेकिन हम लोग चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं एज इंटरनल एनर्जी। आई होप वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।